दोस्तों 18 अगस्त के दिन आप देख रहे हैं धुंधड़ का पशु मंडी देख सकते हैं। अभी समय की बात करें तो 7:20 सुबह का समय हो रहा है और अभी पशु जो है पहुंच रहे हैं गाड़ियों में से। और प्रत्येक रविवार के दिन लगने वाला पशु बाजार है। कुछ गाड़ियां है जो खड़ी है यहाँ पे, कुछ अनलोडिंग भी हो चुकी है। तो देख सकते हैं भैंसे जो है अभी काफी मंडियों में पहुंच रही है। सुबह सुबह मॉर्निंग का अभी समय हो रहा है। अभी जो मित्र लोग हैं, आप सभी को कल रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी जो है आज हम सुबह सुबह की अपडेट देंगे आपको, जो अभी मार्केट कैसा क्या लगा है आज, जो कल रक्षाबंधन है, तो यदि आज का जो रेट है धुंधड़का मंडी का उसमें कोई अंतर हमें देखने को मिलता है नहीं मिलता है, देखिए आप आगे वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैं ये वाली भैंस को जो वही है कुछ पहुंचे हैं सतवास से, वो देख रहे हैं ये वाली भैंस, देखते हैं सौदा कैसे क्या होता है इनका, आपको बताते हैं लाइव वीडियो। काफी बढ़िया बढ़िया भैंसे हैं, शानदार माहौल है 15 अगस्त का यहाँ पे। अभी भी मंडियों में देख लीजिए आप, देखने को मिल रहा है आपको। एक और देखिए आप, जो तीसरी भैंस देख रहे हैं इनकी भैया की दामनी की, देखते हैं कौन सी भैंस जो भाई लेकर पहुंचे हैं उनको पसंद आती है नहीं आती है। भाई साहब कभी जिंदगी तो नहीं मत ना भाई साहब, ये शहीद बड़े नागौर वाले का माल है। देख रहे हैं अभी जो है विचार चल रहा है, वार्तालाप कर रहे हैं जो खरीदने वाले और सचिन पटेल दोनों। बहुत दिन बाद कहाँ से आए हो भैया? लोहारदा। लोहारदा, देखिए दोस्तों ये दोनों भैंस, तीनों भैंस आप अभी देख रहे हैं, इन्हीं का लग रहा है सौदा, है ना, इन्हीं का चल रही है बात जी। देखिए अटर क्वालिटी कौन सा है जंगल भैया? मारवाड़ का। और भैंसे कहाँ की है प्रॉपर, कहाँ की है? झालोर। कितना कितना दूध होगा? 7-7 किलो। और डिमांड क्या करी है आपने जी? ठीक है भैया, धन्यवाद। 1,85,000 दोनों जो पशु हैं उनकी डिमांड रखी है। देखिए दोनों का 7-7 किलो के आसपास में दूध बताया जा रहा है दोस्तों। कोई 6-7 पाड़ी अच्छी तरह निगाह में निकाल लो, उसके बाद बिल्कुल वो खाली होने के बाद में अभी बिस्तर दिखे तो छोड़ देना भैंसों को, 6 किलो दूध पाड़ी के लिए। ये वाली जो लेने आए हैं उनको मामला जम रहा है इस वाली भैंस का, देखते हैं इसका सौदा होता है कैसे क्या होता है सौदा, तो बताते हैं उसकी पूरी जानकारी। और बताइए साइड में भी है ये सौ भैंस में, 100 भैंसों में हम ताजते, उसके बाद में तुम ताजते। भैया कुछ मत बोले उनसे, उनको मैंने की भाई, उनसे मैंने की बताओ नहीं, बात मत खोले उनसे, अलग रूप पूछ ये मेरे को बिल्कुल नेकड़े पे लाया, पूछ नेकड़े पे लाया, बताओ क्या बोला महाराज की। बढ़िया।
अरे जो भी छह किलो दूध कम बताना। अरे छह किलो में दूध है लेकिन चलो एक लीटर कितनी पैसे लगा वही तो बोल रहा हूँ किलो कम की। और ये भी सुन लेना ये रोजी कसम खाली मोबाइल पे रोजी किधर ले यार चंदी किधर ले मोबाइल पे भेज भरवा दी इसको अनमोल है अनमोल। देखिए सौदा कुछ तो जम रहा है इनका लग रहा है किसे क्या बैठता है पूरी जानकारी देंगे हम। दोस्तों आपको भी यदि पशु खरीदना हो और आपको यदि आइडिया नहीं हो तो आप सचिन पटेल से जुड़ सकते हैं जो पशु का सौदा करवा देते हैं कच्चा पशुधन आपको दिला देते हैं। ये मामला है तो समझ में खोलते इसको खोलते भैया कैसा आता है चांदी इतना जी और लंबा खजूर का भाव कितना लंबा आता है सारा घेरा बैठ ही गया पानी के नीचे छह किलो दूध से कम लग गया दावनी में चढ़ना। दोस्तों देख लीजिए वो वाली भैंस से उसका सौदा नहीं जमा है अभी ये वाली भैंस देख रहे हैं जो सुरेश भैया है इनकी दामनी की भैंस तो मांगो तुम हाय करके मांगो 50 क्यों भाऊ जी कि कहाँ से आए हो क्या बताया था गांव कौन कितनी भैंसे खरीदनी आप पहली बार आए हो बाजार में। अच्छा जी पहले उन्होंने दिन भाई पूछो भैया इनसे पहले ये साथ आप ले गए थे सचिन भाई से कैसे क्या निकली पशु अच्छी निकली जी आप कहाँ से हो आप भी भैया के साथ में ही हो सभी तीनों साथ में ही हो तीनों चारों ठीक है भैया। दोस्तों देख रहे हैं अभी पशु जमा नहीं है बाकी अभी जो है मार्केट में पशु की खरीदारी कर रहे हैं देख रहे हैं सचिन पटेल तो हम बढ़ते हैं आगे वीडियो में किसी और पशु को बताते हैं किस किस कीमत के साथ अभी समय सुबह सुबह डिमांड रखी जाती है और कितना दूध होता है जो भी होगा आपको हकीकत पता लगेगी। फिर भी आप 100% श्योर ना रहिए कुछ थोड़े दूध वगैरह है कीमत है अभी भैया जो भी कोई किससे भी बात करेंगे तो वो ज़्यादा बताएंगे। पहले आप ये वाली भैंस देख लीजिए छः दांत छः किलो अभी का भैया जी तो भैया कीमत क्या है बाबू जी इसके मांग रहे 1,05,000 तो दोस्तों पिक्चर से 1,000 रुपए लग चुके हैं इसके लग चुके हैं अभी सुबह सुबह 85,000 रुपए दे रहे जी तो दोस्तों देखिए 85,000 सुबह सुबह इसके लग चुके हैं छह दांत जी जी और चार दिन की ब्याई है ये देखिए 90,000 तो दोस्तों देख सकते हैं 85 तक लग चुके हैं इसके 5,000 का डिफरेंस इसमें अभी है करीब 90,000 के आसपास आपको ये भैंस मिल जाएगी धुनड़ का पशु बाजार में देख लीजिए शानदार भैंसे बाऊ जी की भैंसे है जावरा वाले की गुरु भाई जावरा वाले की तो बाऊ जी पहुंच रही है अभी मंडी में लगभग जी जी एक गाड़ी और आ रही है वही अभी सुबह सुबह का समय है तो अभी पशु पहुंच रहे हैं मंडियों में अभी दामनिया कुछ खाली खाली लग रही है तो ये जैसे हैं ये यहाँ पे अभी जगह है ये भी फुल भर जाएगी थोड़ी काफी ट्रैफिक लगता है यहाँ पे जी ये यहाँ से वहाँ तक ये भी अपनी जी इधर भी आएगी भैंस 18 भैंस है जी 18 भैंस इनके पास में है और ये वाली देखिए दोस्तों इसकी ऑर्डर क्वालिटी देख लीजिए ये किस कीमत में मिलती है आपको इसकी जानकारी देते हैं ये बच्चा है इसके नीचे
रिंग सिंग देख सकते हैं आप इसके। तो भैया इसके क्या कीमत रखी है? 95,000। इसके पास में कितना दूध हो सकता है? इसके पास 5 किलो की गारंटी है आपकी। तो देखिए दोस्तों, काफी जो पशु है इनको सजाया जाता है और अर्डर क्वालिटी देख सकते हैं, साफ सुथरी भैंस है। और यह मंडी प्रत्येक रविवार के दिन लगने वाला बाजार है जो मध्य प्रदेश में हर संडे के दिन लगता है। ये पाली दिन की ये भी जी दोस्तों, ये देखिए ये भी 6 दांत है, 8 दिन की ये जनी है, 4-5 दिन की ये भी है जी। तो देख सकते हैं काफी बढ़िया है, इसकी भी कटकाठी। तो इसकी क्या हो जाएगी भैया? भैया इसके इसके मांग रहे हैं हम 95,000 85,000 रुपए की दे दे। 85,000 में दोस्तों देखिए ये वाली जो भैंस आप देख रहे हैं सुबह सुबह 85,000 में, ऐसी भैंस भी आपको काफी देखने को मिल जाती है धुंधड़का के बाजार से। तो अभी सुबह सुबह है, वही हम आपको अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है। एक ये भी भैंस आ रही है अभी, ये अभी जस्ट आई है, इनकी दामनी में पहुंची है। तो जी हाँ, अभी ट्रैफिक में कुछ गाड़ियां उन फंसी हुई है। तो इसकी क्या कीमत रख रहे हो? इसके 95,000। इसका दूध कितना होगा? इसका दूध अभी 6.5 लीटर जी। और ये 7.5 लीटर दूध खोल के देख रही है ये वाली। तो देखिए दोस्तों ये 7 किलो, ये और काफी शानदार बढ़िया अर्डर क्वालिटी के साथ में आपको देखने को मिल रही है, काफी बड़ी भैंस है। अर्डर क्वालिटी एक बार और देखिए आप जी, 1,15,000 शायद इसकी बता रहे हैं भैया। बहुत अच्छी भैंस नागौर पाली जिले, 7 किलो दूध है। 7 किलो तो भैया पाली की है जी। तो बहू जी ये कहाँ तक कर दोगे आप एक अनुमान? अरे अनुमान मत करो, चलो ठीक है, अनुमान की मत करो, ठीक है ठीक है। डिमांड आप डिमांड बता दो। 1,00,000 के ऊपर ही बिकी ठीक है, ऊपर ही बिकी, अंदर नहीं बिकी, ऊपर ही बिकी 1,00,000। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 7 लीटर दूध नहीं हो जी तो मैं पैसे भी रोक लूँ, मतलब गया बाजार लो पैसे डाल दे। क्या बात कर रही, 6.5 भी दे तो रुपए नहीं लूँगा जी, ये उधार दे जी, कोई माय का लाल ले जाओ। 7 किलो की आप फुल गारंटी, पैसे नहीं लूँगा जी, गए हाट लूँगा पैसे जी। तंग क्या चाल है? बढ़िया आ गए बाजार में बिल्कुल जोरदार भैंस अपने पास जी। हाँ काफी बड़ी बढ़िया बढ़िया शानदार भैंस। संपर्क करना हो तो अपने कर ले जी बिल्कुल। जावरा के हो भैया आप, क्या आपका शुभ नाम? सरफराज जी। सरफराज भैया की भैंस अभी जो देख रहे हैं इन्हें के पशु है ये वाले, और अभी पहुँच रही है भैंस इनके पास में। लेने में भी बेचने में भी कोई संपर्क करना चाहता है, घोसला हट भी आते हैं हम। हाँ बिल्कुल, हमारा संपर्क करे, नंबर ले लो मेरे 96-30-57-99-95। ठीक है देखिए एक भैंस और आई है अभी बाजार में, 1,51,000 डिमांड बता रहे हैं। बिल्कुल भैंस को खाली कर रखी जी भैया, खाली किया हुआ है, खाली करी है जी। आदमी लाग हल्के पर भैंस भारी लाते जी। क्या बात, पॉइंट वाली बात कर दी आपने। देख सकते हैं, बता दिए उन्होंने जो कीमत है वो, और 1,10,000 जी। तो देखिए ये वाली जो है 1,10,000 की डिमांड के साथ में आप देख रहे हैं। तो जो भी और बैठक में दोस्तों ऊपर नीचे रेट हो सकते हैं थोड़े, एक ये वाली देख लीजिए आप, नकल देखना खाली नकल, बाजार में नकल नहीं होगी। भैया इसका दूध कितना हो सकता है? इसके 7-7 लीटर लग रही था। दोस्तों जो पशु मालिक हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है 7 किलो के आसपास में, और शायद तीसरे में होगी ये, तीसरे दांत के आसपास। तो देख सकते हैं आप एक बार भैंस की चाल डाल, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है। क्या हाल चाल है भैया? बढ़िया,
वो वाली की, ये वाली वो वाली की 126 वो वाली की आगे की। अरे इनके हिसाब से बताओ, इसके 11 इसके भी 11। देखिए भैया ने 111,000 इसका बताया है और 111,000 इसका भी बताया है। और खोल ले भैया, और खोल ले, देख लियो मुकाम की बता। तुम्हारे ईमानदारी कोई धार, अगर आजकल दुए में कोई मिस्टेक आ जाए तो मेरी आवाज कोई धार बिगड़ जाए तो छोड़ दे। यहाँ से वहाँ तक 15 भैंसे हैं जी, आ गए भैया सभी की ओर 15 भैंसे सब आ गए, 11 इधर बंदी, 4 इधर बंदी, 4 इधर भी है। और ये भी भैया है, बढ़िया शानदार भैंसे लाते हैं बाजार में, लड़का के बाजार में दामनी लगती है इनकी। एक स्टैंडर्ड भैंसे हैं, सब बड़ा माल है। तो भैया अपने पास एक अनुमान बताइए कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक भैंसे मिल जाती हैं? 126 130 135 अच्छा, कम से कम वाली भैंस 90,000 की, 90,000 कम से कम। और जो ऊपर वाली है 130-135 वाली, वो कितना दूध दे सकती है? 8 लीटर दूध, टाइम का 8 लीटर, टाइम का 8 लीटर, 7-8 किलो के आसपास, 15-16 लीटर दो टाइम। और ये 5-5.5 ये 5.5-6 लीटर की जी, ठीक है बता भैया। ये वाली भैंस देखिए आप, किसान की भैंस देख रहे हैं जो लड़का बाजार है यहाँ से। भैया कई मांगी रहा भैंस का? 120। किसान की है? हाँ किसान। कौन सा गांव की है? करन खेड़ी। तो करन खेड़ी गांव की भैंस है जो यहाँ के, यहाँ से करीब 20-25-30 किलोमीटर के आसपास में है, कुछड़ोत से आगे। 1,20,000 डिमांड के साथ आप देख रहे हैं। भैया दूध ये कितना दे सकती है? 7 लीटर दूध दे जी, 7 लीटर। और कौन से व्यात में है? कौन से व्यात में, कौन सा व्यात में है? क्या तीसरा में? दोस्तों तीसरे ब्यांत के आसपास में बताई जा रही है इस वाली भैंस को, आप देख रहे हैं जो करन केड़ी गांव की भैंस है। तो जानते हैं भैया से, देखिए आप जो इसकी जो फाइनल वाली दोस्तों जो कीमत है, डिमांड है, वो 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। और मेरे अनुमान की बात करें तो और कम हो जाएंगे रेट, अभी सुबह सुबह का समय है। दोस्तों देख सकते हैं एक और जो है किसान भाई लेकर पहुंचे हैं यहाँ पे, उनकी भैंस दिखाते हैं, देसी नस्ल की भैंस है और 60,000 रुपए डिमांड रखी है इन्होंने ये वाली। तो दोस्तों देख लीजिए आप अर्डर क्वालिटी, अभी देख रहे हैं ये वाला बच्चा है, इसके नीचे जो एक बासा है लेकर पहुंचे। कौन से गांव से आए हो? गोकुलपुरा से आए हैं, जो कुछ जो करन खेड़ी हमने बताया था उन्हीं के आसपास में गांव। हाँ जी, तो 60,000 की इच्छा है आपकी? 60,000 कर रहे हो आप, है ना? ठीक है साहब, धन्यवाद। दोस्तों देख सकते हैं डिमांड रखी है 60,000, यदि सौदा होता है तो और अनुमानित और कम हो जाएंगे। ये भी किसान, आप भी अपने भी घर की है भैंस जी? हाँ नहीं, सभी किसान भाई की है ना ये वाला, इसका बच्चा है, बच्चा बड़ा है। तो इसकी देखते हैं दोस्तों कि ये हमें जो किस कीमत है मिलती है एक अनुमान। कई हालचाल है बहू जी अपना? बढ़िया। कई मांगी रहेगा? 33,000 रुपए। तो देख सकते हैं दोस्तों, हाँ 33,000 रुपए डिमांड के साथ में आपको ये वाली भैंस दिख रही है, ये वाला बच्चा है। हाँ बताऊँ, ये वाला बच्चा है इसका। और भी देखते हैं, अभी दूध कितनों कहीं? 1.5 किलो जी। और भी होता है सौदे में, वो रेट कम हो सकते हैं। भैया आपने क्या हालचाल, कहाँ से आए हो आप? कुछड़ोत से पहुँचे हैं। और ये वाली जी टीका कहीं मांगी रहा? 40,000 रुपये। अभी को दूध कितनों है? 3 लीटर 3 किलो जी। तो 3 किलो दोस्तों अभी का वर्तमान का दूध इसका बता रहे हैं। तो देख सकते हैं, देख लीजिए आप अर्डर क्वालिटी, किसान की भैंसे देख रहे हैं आप अभी सभी। एक दोस्तों काफी शानदार बुल दिखा है हमें, बड़ी कदकाठी के साथ में। भैया कहीं हालचाल है? काफी शानदार लेके आया बुल। कई मांगी रहा भैया को? जी
दोस्तों देखिए 75,000 रुपए डिमांड रखी है भैया ने इनकी। कहाँ का है भैया? पाड़ा या अभी पहुंचे हो मंडी में? ठीक है जी। भैया इसकी उम्र कितनी होगी? अपने कुछ भी 3-3.5 साल। 3-3.5 साल के आसपास। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रोहित। रोहित जी देखिए आप 3-3.5 साल के आसपास की उम्र बताई जा रही है इसकी और 75,000 डिमांड के साथ में आप देख रहे हैं धुंधड़ का मेला मंडी। यहाँ से देखिए इन दोनों भैंसों को। कोई मांगी रहा भैया जोड़ा का? एक पंद्रह बता रहे दोनों का। मंडी का नाम क्या है? देखिए दो भैंसे दोनों जोड़ा का भैंसे का बताया भैया ने एक पंद्रह के आसपास में जो भी और होगा सौदा में बैठक में हो सकता है। भैंसे काफ़ी भैंसे अभी पहुंच गई है 8:15 बजे का 8:15-20 के आसपास का समय हो रहा है दोस्तों सुबह का। जो खोली थी भैंस उसी का शायद यहाँ पे ग्राहक लग रहे हैं सौदा चल रहा है तो दिखाते हैं हम आपको यदि होता है तो नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 दिन की जनी हुई है जो अभी आप भैंस देख रहे हैं।